अरे वाह कितने सारे और कितने सुंदर झूले हैं यहाँ पर मैंने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी क्या आपने देखे हैं ऐसे झूले पहले कितनी अच्छी बात है अगर आपने देखे हैं लेकिन मैं तो पहली बार किसी मनोरंजन पार्क में आ जाई हूँ और आज आप सबके साथ मैं इस मनोरंजन पार्क की सैर करने वाली हूँ मैं तो तैयार हूँ पर क्या आप सब तैयार हैं? अरे वाह घोड़े वाला झूला ये तो बहुत ही सुंदर है आप सबने देखा कितना सुंदर झूला है ये मेरा मन तो कर रहा है कि अभी के अभी इस पर बैठ जाऊं लेकिन अभी इस पर कुछ बच्चे झूल रहे हैं है ना और मैं देख सकती हूँ कि एक घोड़े पर सिर्फ दो बच्चे बैठ सकते हैं मैं तो अपने मित्र के साथ बैठूंगी आप किसके साथ बैठेंगे सोचिए सोचिए अगर मैं देखूं कि एक घोड़े पर दो बच्चे बैठ सकते हैं और हमारे पास कुल कितने घोड़े हैं क्या आप मेरी गिनने में मदद करेंगे आइए गिनते हैं और चार घोड़े हैं और जैसा मैंने कहा एक घोड़े पर दो बच्चे बैठ सकते हैं तो हमारे पास हर घोड़े पर दो बच्चे हुए यानी कुल कितने बच्चे हुए दो जमा दो जमा दो जमा दो बराबर आठ बच्चे अरे ये घोड़े की सवारी करना तो बहुत ही अद्भुत था लेकिन अब ये आवाज कैसी आ रही है जरा सुनिए तो मुझे तो ये रेलगाड़ी की आवाज सुनाई दे रही है क्या आपको सुनाई दी तो चलिए अब हम मिलकर रेलगाड़ी की सवारी करते हैं लेकिन अभी तो इसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं तो क्यों ना जब तक ये बच्चे इसकी सवारी कर रहे हैं हम जरा गिने कि इस रेलगाड़ी में कुल मिलाकर कितने डिब्बे हैं एक दो तीन बिल्कुल सही अब जरा देखते हैं कि हर डिब्बे में कितने बच्चे बैठे हुए हैं एक दो और तीन हर डिब्बे में तीन बच्चे बैठे हुए हैं तो अब जरा देखते हैं कि कुल मिलाकर कितने बच्चे बैठे हैं इस रेलगाड़ी में तीन जमा तीन जमा तीन बराबर है बताइए कितने नौ बिल्कुल सही तीन डिब्बों में कुल मिलाकर नौ बच्चे बैठ सकते हैं तो आइए हम सब भी जाकर इस रेलगाड़ी की सैर करते हैं अब इस रेलगाड़ी की सवारी के बाद बारी है इस बड़े से चक्के की कौन कौन मेरे साथ इस चक्के की सवारी करना चाहता है जरा गिन के मुझे बताइए कि कितने डिब्बे हैं इस चक्के के अंदर एक दो तीन चार पांच हमारे पास पांच डिब्बे हैं इस चक्के में और हर डिब्बे में चार बच्चे बैठ सकते हैं तो बताइए कुल मिलाकर कितने बच्चे बैठ सकते हैं इस चक्के में चार जमा चार जमा चार जमा चार जमा चार बराबर है बीस के बिल्कुल सही आपने तो बहुत ही जल्दी पता लगा लिया इससे हमें पता चल गया कि चक्के वाले झूले पर कुल बीस बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं तो क्या आप सब मेरे साथ तैयार हैं इस झूला झूलने के लिए हम्म मेरा मन तो बहुत आनंदित है इस झूले की सवारी करने के बाद पेट में बहुत सारी गुदगुदी हुई थोड़ा सा डर भी लगा पर बहुत अच्छा लगा तो आप क्या करें ये पेट में गुदगुदी होने के बाद न, मुझे तो भूख लग रही है क्या आपको भी, तो क्या क्या भी जलेबियां दिख रही है जैसे मुझे दिखाई दे रही है खुशबू भी कितनी अच्छी है मैं तो बहुत सारी जलेबी खाने वाली हूँ लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर कितनी प्लेट्स रखी हैं? जरा गिनिए तो एक दो तीन चार पांच छ हमारे पास कुल मिलाकर छ प्लेट हैं हर प्लेट में तीन जलेबियां हैं तो हमारे पास कुल कितनी जलेबियां हुई तीन जमा तीन जमा तीन जमा तीन जमा तीन, जमा तीन. जमा तीन कितना हुआ बिल्कुल सही अठारह छ बार तीन बराबर है अठारह के तो फटाफट से जलेबियां खा लेते हैं उसके बाद हम चलेंगे अपने घर <laughs> अरे वाह जितनी देर में हमने जलेबियां खाई हमारी बस तैयार हो गई है चलने के लिए जरा देखिए तो बस में कितने लोग हैं मुझे हर सीट पर दो लोग दिखाई दे रहे हैं क्या आपको भी दिखाई दे रहे हैं कुल मिलाकर कितनी सीट है बस में क्या आप गिन सकते हैं मेरे लिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ अरे वाह हमारी बस में तो नौ सीटें हैं हर सीट पर अगर दो व्यक्ति बैठ सकते हैं तो कुल मिलाकर कितने लोग बैठेंगे इस बस में दो जमा 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 दो बराबर है बिल्कुल सही अठारह के नौ बार दो होता है अठारह बस में कुल लोग हैं कितने बताइए जरा हमने अभी अभी पता किया है बिल्कुल सही शाबाश आपने तो तो बहुत अच्छे से पता लगाया यहां बस में तो कुछ पानी की बोतलों के डिब्बे रखे हुए हैं कितना अच्छा है इतनी जलेबी खाने के बाद मुझे प्यास भी लग रही है तो क्यों ना थोड़ा सा पानी पिया जाए लेकिन उससे पहले क्या आप मेरी मदद करेंगे इन बोतलों को गिनने में एक दो तीन और चार डिब्बे हैं बोतलों के अब जरा गिनकर बताइए कि हर डिब्बे में कितनी बोतलें हैं? एक दो तीन, चार और पांच। शाबाश हमारे पास पांच बोतलें हैं एक डिब्बे में और कुल मिलाकर हमारे पास चार डिब्बे हैं। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे पास कुल मिलाकर कितनी बोतलें हैं हमें पांच को चार बार जोड़ना होगा पांच जमा पांच जमा पांच जमा पांच बराबर है तो बीस है बस में कुल पानी की हैं क्या बात है अब मैं थोड़ा पानी पी सकती हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त चीनू ने दुकान से कुछ वस्तुएं खरीदी हैं तो चलिए देखते हैं चीनू ने क्या क्या खरीदा है और कितनी संख्या है उन चीजों की चीनू ने तो कुछ रबड़ खरीदी है आइए देखते हैं कि चीनू ने कुल मिलाकर कितनी रबड़े खरीदी हैं। हमारे पास कितने पैकेट हैं रबड़ के क्या आप मुझे गिनकर बता सकते हैं एक दो तीन और चार हमारे पास चार पैकेट हैं रबड़ के हर पैकेट में कितनी रबड़ है हर पैकेट में हमारे पास दो रबड़ हैं। तो हमारे पास कुल कितनी संख्या हुई रबड़ की दो जमा दो जमा दो जमा दो बराबर है आठ रबड़ चार बार दो बराबर है आठ के कुल रबड़ों की संख्या आठ एक बार फिर से अपने लिए तालियां बजा दीजिए आप बहुत अच्छे से गिन रहे हैं अरे चीनू ने तो कुछ पेंसिलें भी खरीदी हैं। क्या आप मेरे लिए गिन के बता सकते हैं कि ने कितने डिब्बे खरीदे हैं पेंसिल के? एक, दो, तीन, चार पांच अब जरा देखते हैं कि हर डिब्बे में कितनी पेंसिलें हैं एक दो तीन आपने बिल्कुल सही बताया था अब आप मुझे बताइए कि हम तीन को कितनी बार जोड़ेंगे यह पता लगाने के लिए कि हमारे पास कुल कितनी पेंसिलें हैं तीन जमा तीन जमा तीन जमा तीन जमा तीन बराबर है पंद्रह पेंसिलों के बिल्कुल सही एक बार फिर से आप सभी के लिए तालियां पांच बार तीन बराबर है पंद्रह के तो कुल पेंसिलों की संख्या है पंद्रह लाजवाब चीनू ने पंद्रह पेंसिलें खरीदी हैं। अरे चीनू ने तो कुछ सेब भी खरीदे हैं जलेबी के बाद सेब देखकर भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है लेकिन आइए जानते हैं कि चीनू ने कितने सेब खरीदे हैं क्या आप देख सकते हैं कि कितनी टोकरियां हैं सेब की गिनकर बताइए एक दो और तीन और हर टोकरी में कितने सेब हैं? एक दो तीन क्या बात है बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने अब मुझे बताइए कि कुल कितनी संख्या है हमारे पास सेब की तीन जमा तीन जमा तीन बराबर है नौ सेब तो तीन बार तीन बराबर है नौ के कुल सेबों की संख्या है नौ अति उत्तम आपने तो बहुत अच्छे से पता लगाया कि चीनू ने नौ सेब खरीदे हैं तो हमने देखा कि चीनू ने दुकान से रबड़ पेंसिल और सेब खरीदे और हमने साथ में गिना कि उसने कितनी पेंसिल कितनी रबड़ और कितने सेब खरीदे अब हमें चीनू ने ये तो बता दिया कि उसने दुकान से क्या क्या खरीदा है अब बारी आपकी है ये पता लगाने की कि आपके और आपके मित्रों के पास कितनी साइकिलें हैं और हर साइकिल में कितने पहिए हैं? तो ये भी पता लगाइए कि कुल मिलाकर आप सभी की साइकिलों में कितने पहिए हुए? अपने मित्रों से पूछिए कि किस, किस के पास साइकिल है उनके पहिए गिनिए कि हर साइकिल में कितने पहिए है और फिर उन्हें जोड़ दीजिए कितनी बार जितनी आपके पास साइकिलें हैं है ना आसान काम ऐसे ही और काम करेंगे हम अगली बार तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जोड़ते रहिए